चाहे मर जाना, लेकिन ये चार पौधे अपने घर में तो क्या घर के आसपास भी मत लगाना, क्योंकि अकाल मृत्यु लेकर आते हैं यह पौधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी खैर चाहते हैं तो इन चार पौधों को भूल से भी अपने घर के आसपास मत लगाना, क्योंकि ऐसा करने से आप रातों रात बर्बाद हो सकते हैं। यह पौधे व्यक्ति का बुरा समय लेकर आते हैं, यहाँ तक कि इन पौधों के कारण आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इन पौधों में नंबर एक पर है इमली का पौधा। दोस्तों, इमली का पौधा घर के अंदर और घर के बाहर गलती से भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस पौधे के कारण खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में इमली का पेड़ होता है या इमली की छाया भी जिस पर पड़ती है तो वो घर सुनसान और खंडर हो जाता है। ऐसे घर में अकाल मृत्यु की संभावनाएँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, या किसी सदस्य द्वारा घर छोड़कर भाग जाने की घटनाएं भी होती हैं। नंबर दो पर है बबूल का पेड़। दोस्तों, बबूल के पौधे को घर में या घर के आसपास लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। वास्तुशास्त्र की माने तो जिस घर में यह पेड़ होता है वहां लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं। जमीन जायदाद को लेकर परिवार के लोग आपस में ही झगड़ते रहते हैं और परिवार के लोग नशे के आदि तक हो जाते हैं। धन की बर्बादी होती है। घर की स्त्रियां मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान रहती है। अतः बबूल का पेड़ अगर किसी के घर में या घर के आसपास भी है तो उसको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। नंबर तीन पर है मेहंदी का पौधा। दोस्तों, कहा जाता है कि मेहंदी के पौधे बुरी और नकारात्मक आत्माओं का वास होता है। यह पौधा घर में होने पर उस घर में भी बुरी आत्माओं का वास हो जाता है, जिस कारण जीवन की सभी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। अगर आपने गलती से यह पौधा अपने घर के अंदर या घर के आसपास लगा लिया है तो इसको तुरंत वहां से हटा दें, आगे से ऐसी गलती करने से बचें। नंबर चार पर है अमरूद का पौधा। दोस्तों, अमरूद का पौधा घर के आंगन में कभी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन घर के बाहर या घर के आसपास आप लगा सकते हैं। साथ ही बेर, नागफनी, कपास आदि के पौधे भी घर के अंदर कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इन पौधों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और